बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई ये करें वो करें ये करें वो करें, तो भाई फिर मैंने वही कर लिया। और मौसम भी यार बहुत खराब हो रहा है दोस्तों, वहां से बादल आना शुरू हो रहा है और एकदम यार इतनी तेज तूफान, मतलब मुझे लगता है कि आंधी आना शुरू हो रही है और हमारे परिंदे भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए मैंने अपने कबूतरों को आज नहीं खोला, ये देख सकते हैं आप। तो बस यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लेट्स गो। अच्छा जी, तो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो चीज़ है ये देखें माशाल्लाह से यार। आपको पता है यार हमारे बुलबुल दोस्तों उड़ चुकी थी, तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आया कि भाई आप बुलबुल के बच्चे वापस लेके आए, वापस उनको आप ट्रेन करें, उन पर मेहनत करें, इंशाल्लाह वो आपके घर के आदी हो जाएंगे। और फिर यार मैंने सोचा क्यों ना ले आऊँ, वैसे मैं गया नहीं, मैं खुद जानबूझ के नहीं गया, आज मैं दोस्तों के साथ ज़रा क्रिकेट खेलने गया हुआ था इधर ग्राउंड में पार्क में, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि यार एक बुलबुल का बच्चा ज़मीन पे पड़ा हुआ दोस्तों, और जब मैंने वो उठाया तो मुझे ऊपर से भी आवाज़ें आ रही, और ये देखा कि गुड़शल जो थी ना आज वो मैन ऑफ किया है, वो उन बच्चों के ऊपर अटैक कर रही है, और एक बच्चा जिसमें से ज़ख्मी भी हो गया वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले थोड़ी सी आपको बातें शेयर कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैंने क्या किया दोस्तों, वो दो बच्चे जो थे वो भी मैंने ले लिए, टोटल मेरे पास तीन बच्चे हैं बुलबुल के, और ये मैंने ले आया हूँ, ये देखें ये मेरे पास तीन बच्चे बुलबुल के हैं, ठीक है, और मैं आपको एक निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो उस वक्त यार मैना जो थी ना इन पर हमला कर रही थी, और मेरे पास कैमरा नहीं था वरना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। तो एक बच्चा बुलबुल का ये है दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह से एक बच्चा ये है, और इससे छोटे वाला दोस्तों ये वाला बच्चा है, ये वाला, ये देखें अलवी, ये भी ये देखें दोस्तों माशाल्लाह ये है, तो अलवी को पकड़ा देते हैं ये जिन्ना। और तीसरा जो है वो थोड़ा सा यार बेचारा तकलीफ़ में, क्योंकि जब वो नीचे गिरा हुआ मुझे मिला था ना बेचारे की टांग टूटी हुई है दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, वो चलने के काबिल नहीं है अब, ये नहीं दोस्तों, इस बेचारे की जो टांग है ना देखें यार बेचारे की ज़ाया हो चुकी है, ये वाली टांग देखें बिल्कुल अभी मजबूर हो चुका है, अभी नहीं चल पाएगा। और तीसरा बच्चा ये है दोस्तों सबसे छोटे वाला, लेकिन फीड माशाल्लाह से मांग रहा है, मैंने अभी इसको फीड भी करवाई है, तो एक बारी आपके सामने भी इसको फीड करवा देता हूँ मैं। ये दोस्तों बुलबुल के बच्चे तीन, और इसमें सबसे बड़ा ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, और उसके बाद ये वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा यार, मैं सोच रहा हूँ इन तीनों के नाम भी रख दें दोस्तों, नाम इन तीनों के रखेंगे इंशाल्लाह, एक का नाम कुछ और रखेंगे, एक का कुछ और, एक का कुछ और, ये देखें लाइन वाइज है, सबसे बड़ा उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो माशाल्लाह ये खाना भी मांगते हैं और मांग रहे हैं, मैं आपको चलें खिला के भी दिखाता हूँ इनका खाना भी लाया हूँ। और फिर अच्छा यार मैं जब पहले भी बुलबुल के बच्चे लेके आता था ना, तो काफ़ी भाई मुझे कमेंट्स करते थे, तो अभी तक उस वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें बताएं किस तरीके से जो है ना इन बुलबुल के बच्चों को ट्रेन किया जाता है या पाला जाता है, किस तरीके से इनकी फीड करवाई जाती है, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो अब इनको चलें पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या फीड देनी है। तो सबसे पहले तो यार इनको मैं हर घंटे बाद ना फीड दे रहा हूँ इन बच्चों को, और ये मैं ले आया हूँ सरीन में, मैंने सरीन लाइक बनाया हुआ है, ये भी दोस्तों देखिएगा अपना मुंह खोलेंगे, ये देखें अभी थोड़े न्यू है ना इसलिए थोड़ा सा इनको मतलब कि प्रॉब्लम पेश आएगी आप लोगों को अगर, तो लेकिन इंशाल्लाह जब एक दो दफ़ा आप इसको फीड करवाना शुरू कर देंगे ना, तो फिर ये आपके मतलब कि रिसल की पहचान इन्हें पता चल जाएगी और ये खुद ही मुँह खोलना शुरू हो जाएंगे, ये देखें माशाल्लाह ये मुँह खोल रहे हैं ना दोस्तों। तो ये हम इसको अब इस तरीके से खिला देंगे, ये देखें माशाल्लाह ये वाला बच्चा भी दोस्तों खोल रहा है, अभी वैसे मैंने इन्हें खिलाया था इसलिए इनका पेट अभी फुल है, और अभी ये जो थोड़ा बड़े वाला बच्चा है ना ये थोड़ा सा तंग कर रहा है अभी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा समझदार है, तो इसको मुझे एक दो दफ़ा ज़बरदस्त से खिलाना पड़ेगा, लेकिन जब इसको भूख लगेगी ना इन तीनों बच्चों को जब भूख लगेगी आप ही मैं विसल मारूंगा और ये ऐसे मुंह खोलना शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह फिर ये फीडिंग करना भी शुरू कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों ये अपना मुंह खोल रहे हैं छोटे वाले बच्चे। अच्छा यार आपने दोस्तों इनको ज़्यादा फीड भी नहीं करवानी, एकदम जैसे सिरिंज मेरे हाथ में ना एकदम बंदे से दब जाता है, तो ज़रा एहतियात करिएगा, क्योंकि जब इनके मुँह से निकल जाता है ना ये बाहर आके ऐसे चिपक जाता है, तो फिर वो उनका बाल भी चिपक जाते हैं और कीड़ियाँ जो है ना आके खाना शुरू कर देती हैं। तो इनका जो केज है इसके अंदर मैं जो है कोपेक्स पाउडर भी डाल दूँगा कीड़ियों वाला, ताकि कीड़ियाँ आ ही ना पाएँ। ये देखें माशाल्लाह मेरी विसल की अभी से ही पहचान होगी इनको, ये देखें माशाल्लाह ये मैं सीटी मार रहा हूँ ना दोस्तों, तो ये मुँह खोल रहे हैं, और जब जब आप फीड करवा रहे हैं ना आपने विसल अपनी लाश में मारनी है,
तो या तो आप अपने मुंह से भी विसल मार सकते हैं, या तो आप जो दुकानदार के पास होती है वो भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। और अभी यार ये छोटे बच्चे, अगर आपके बच्चे जो है ना बुलबुल के, वो एक एक दो दो दिन के, तो आपको हर 10 मिनट बाद उन्हें खिलाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मैसेज आते हैं कि भाई मैंने बुलबुल के बच्चे लिए थे तो मेरे बुलबुल के बच्चे मर गए, आप बताएं क्या करूं। तो जब मैंने उनसे वजह पूछी ना क्यों मरे, एक एक दिन दो दो दिन के उनके बच्चे थे, तो उन्होंने बताया भाई मैं दो दो तीन तीन घंटे बाद उन्हें खिलाता था। तो यार इस तरीके से तो जुल्म है, आप हर 5 से 10 मिनट बाद उन्हें खिलाएं, क्योंकि वो छोटे से बच्चे होते हैं। अब ये देख लें आपके सामने कितने बड़े बच्चे, अगर हम इन्हें 1 घंटा के बाद भी खिलाएंगे ना तब भी गुजारा हो जाएगा। ये देखें, अब मैं इनको हर घंटे बाद खिलाऊंगा तो माशाल्लाह से ही खाना शुरू हो जाएंगे, और आपके सामने ये एक सिरिंज इन्होंने खा भी लिए। तो इंशाल्लाह यार बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएंगे हमारे पास। तो चलें इनको वापस इनके नेस्ट में रख देते हैं। और ये वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। आप लोगों ने नाम लाजमी बताने हैं इनके कि क्या रखें। हमारी फीमेल दोस्तों अंडों पे आ चुकी है, ब्राउन वाली जो आप देख रहे हैं ना, और दूसरे बच्चे को अभी मस्ती चढ़ी हैं, और माशाल्लाह से सारे के सारे हमारे पिजन्स ठीक है। अच्छे यार हमारे पास ये दोस्तों सारे पेयर बिल्कुल रेडी हैं ब्रीड करने के लिए, बस यार इनकी जगह नहीं है, बट जस्ट यहाँ ही अंडे दें। तो इंशाल्लाह मैं इनका इंतज़ाम करता हूँ, या तो हम पेटी शेटी लेके आते हैं दो तीन, वहाँ पे कहीं पे लगाते हैं ताकि अच्छी तरीके से आराम से ब्रीड कर सके और इनके हम पेयर भी लगा सकें। तो चले अंदर जाके एक दफ़ा आपको ग्रोथ भी इनके दिखा देता हूँ। हमारा दरवाज़ा फिर से दोस्तों इसका यही हाल हो चुका है, इसको मैं भी ठीक कर दूँगा क्योंकि इसके बगैर जो है ना गुजारा नहीं। तो चले अंदर चल के आपको अपने जंगली के बच्चे भी दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से ये रहे, तो भाई ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये मुझे लगता है दोस्तों वही वाले शराजी बन रहे हैं जिनका एक पर वाइट होता है और एक ब्लैक होता है, आप लोगों ने लाजमी बताना है। और ये भी मुझे लगता है वैसे ही बन रहा है, ये देख रहे हैं एक पर इसका वाइट है और एक पर इसका ब्लैक्स है। और दूसरा बेबी पिजन जो है ये भी ठीक है माशाल्लाह, तो काफ़ी बड़ा हो गया। तो चलें आप डायमंड एफ के बच्चा भी देख रहे थे जाके, तो आ गया हूँ दोस्तों यहाँ पे, और उसी की उसी तरीके से। अच्छा यार मैंने कभी इन फीमेल्स को नीचे फिरते हुए नहीं देखा जब से इन्होंने यहाँ पे ब्रीड किया ना, इनके मेल ही मुझे लगता आके खिलाते रहते हैं इनको। और एक मेल को हटा देता हूँ, दो फीमेल्स यहाँ बैठी हुई हैं। चलो भाई हटो, और इसका बच्चा किधर है? बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये देखें। अरे अंडे किधर गए इसके? है? वो रहे वही है ना, हाँ दोस्तों वो रहे। मैं डर गया, मैंने कहा अंडे किधर चले गए यार इनके, दो अंडे पड़े हुए यार। और ये बच्चा मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये अब तकरीबन 3 दिन का बच्चा हो चुका है दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें काफ़ी प्यारा है। और मुझे लगता है हो सकता है ये भी रेड टेल में बने, तो इसको वापस रख देते हैं। तो ये यार मैंने वापस रख दिया, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि यार ये अकेला है ना दोस्तों बच्चा, अगर दूसरा होता ना फिर थोड़ा सा लेट होता, क्योंकि वो दूसरों को भी खिलाते, ये अकेला है इसलिए इसकी ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी हो रही है। अच्छा उसके अंडे ना उसने अपने नीचे रखे हुए दोस्तों, और इसका बच्चा है तो इसने अपने पास रखा हुआ है। और यार आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो हमारी लाफिंग डब है ना दोस्तों, आप लोग बताएं क्या इसको हम आज़ाद कर दें अपने पास ही रहने दें? बेचारी यार ऐसी घूमती रहती है, मैं सोच रहा हूँ इसको आज़ाद कर दें। तो आप लोगों ने बताना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पेयर बनाएगी, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है दोस्तों इस वाले डब से। देख रहे हैं आप कितना आपको फ़र्क आ रहा होगा इसमें, अभी तो और बड़ा होगा ये। तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं आज़ाद कर दूँ, अगर आपको लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह इसको कल को आज़ाद कर देंगे। अच्छा काफ़ी भाई मुझे ये कह रहे थे कि भाई जो कबूतरों ने 2 अंडे दिए हैं ना, आप उन अंडों को ना डब के नीचे रख दें। तो भाई वो इतने बड़े अंडे हैं, इतनी बड़ी तो डब भी नहीं है, तो अगर मैं रख भी दूँ ना तो उसमें से बच्चे अगर निकल भी आए तो ये खिला नहीं पाएंगे भाई। और वैसे तो बच्चे निकलने ही नहीं, ना इन्होंने अंडों के ऊपर बैठ रहा, क्योंकि अपने भी अंडे हैं ना इसलिए वो संभाल नहीं पाएगी। ये वो वाला बच्चा जो लास्ट टाइम निकला था, ये पता नहीं क्या करता रहता है। और मौसम यार मुझे लगता है दोस्तों ख़राब हो रहा है, मुझे लग रहा है क्योंकि अब धूप बिल्कुल चली गई है और आज ये लगता है बारिश आएगी। और आपको अपनी डक भी दिखा देता हूँ जो कि मैंने अपने केज में बंद की हुई है। ये रही जी हमारी डक, माशाल्लाह यार देखे कितनी बड़ी हो चुकी है यार ये। ओए ये क्या कर रही है, ये देख रहे हैं, ये तो मुझे लग रहा है भूखी है, इसको दाना डालते हैं। तो इसके पास शर भी दोस्तों निकल आए, इसको बल के थोड़ी देर खोल ही देते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये भाग भी, ये भागी ये भागी ये भागी भागी भागी
अच्छा यार इसके दोस्तों माशाल्लाह यार बड़ी जल्दी, ओए इधर आओ ना, इसके बड़ी जल्दी पर निकल रहे हैं यहाँ पे से। ये इसके जो हाथ के पैर हैं ना माशाल्लाह से काफ़ी जल्दी निकल रहे हैं, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे भी इतने प्यारे प्यारे पर आ रहे हैं ब्राउन कलर। और इंशाल्लाह यार ये देखिए यार माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है यार, ये मेरे तो हाथ में भी नहीं आती। अलविया पकड़ें ज़रा कैमरा, ये देखें दोस्तों कितनी बड़ी डक हो चुकी है हमारी माशाल्लाह। अगर इसकी गर्दन भी करें ना कितनी लंबी है, ये देख रहे हैं आप। और ये इसके पर देखें कितने सारे नीचे से निकले हैं। तो जल्दी से भाई थेटिंग के करवा दें, इंशाल्लाह बड़ी डक ही लेके आएंगे इसके लिए ये। और ये देखें यहाँ से भी निकले हैं पर, ये देखें। तो इंशाल्लाह इसके लिए फिर हम दोस्तों इसकी फीमेल ही लेके आएंगे बड़ी वाली, और फिर इन्हें ऐसे ही अपने सेटअप पर छोड़ दिया करेंगे। तो ये गई वापस। तो बस यार ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद तो आनी चाहिए यार, और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसकी डे बाय डे मैं अपडेट देता रहूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। हाँ यार जिस भाई ने दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर, उसका और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इंशाल्लाह यार उस पर मैं सोच रहा हूँ रेगुलर ब्लॉगिंग करें हम। कल भी ब्लॉग डाला था, आज भी ब्लॉग डाला है। तो जल्दी से जाकर देखिए और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।